हाय नमस्कार, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज मैं आपको लेके आया हूँ सोहना रोड के पास वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी जिसका नाम है ऑर्किड पेटल्स, जहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 4175 स्क्वायर फीट पर बना हुआ डुप्लेक्स पेंट हाउस का ऑप्शन। और सबसे बढ़िया बात जो है, इस पेंट हाउस के अंदर आपको जो एरिया निकल के मिल रहा है, अगर आप आज की डेट में ख़रीदने जाते हो किसी सोसाइटी के अंदर, तो वही एरिया के लिए आपको कम से कम 7 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया खरीदना पड़ेगा। सोसाइटी में एक बार आपको दिखाता हूँ कितनी ब्यूटीफुल सोसाइटी है। सेंटर में आपका पूरे का पूरा ग्रीन एरिया है, जहाँ पर आपके पार्क्स है, आपके स्विमिंग पूल है, आपके जॉगिंग ट्रैक है, आपके ग्रीनरीज हैं। ट्रीज़ आप देखोगे तो वेल मेंटेन ट्रीज है, काफ़ी ग्रूम ट्रीज है, और चारों तरफ आपके आते हैं रेसिडेंशियल टावर्स। तो सारे का सारा जो ग्रीन है वो आपके इस पेंट हाउस से, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पूरे का पूरा सेंट्रल ग्रीन विजिबल है। तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता है आपके पेंट हाउस की बालकनी से। तो एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, सोसाइटी का नाम है ऑर्किड पेटल, जो कि आपकी सोहना रोड के पास पड़ती है। सोसाइटी ऐसी है कि आपके चाहे रिटेल मॉल्स हो, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, आसपास की जो मेन लोकेशंस हो, सारी यहां से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट सोसाइटी। तो अब मैं एक बार आपको टूर करवा देता हूँ, आई विल गिव यू अ क्विक टूर अबाउट दिस पेंट हाउस, और उसके बाद बात करते हैं प्राइसेस की और इसके अलावा क्या क्या और ऑप्शंस है हमारे पास। थोड़ा सा मैं आपको प्राइसिंग का हिंट कर देता हूँ। इसमें जो आपका पेंट हाउस स्टार्ट होता है वो 3.5 करोड़ से स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू 4.5 CR। गुड़गांव की दूसरी लोकेशन जैसे कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड वगैरह पे आप देखोगे तो वहाँ 4.5 करोड़ में आज की डेट में आपको 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शन भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सो बाकी बातें बाद में करेंगे, सो लेट मी गिव यू अ क्विक टूर अबाउट दिस पेंट हाउस। सो राइट नाउ मैं हूँ इस पेंट हाउस की लिफ्ट लॉबी में। ये 14th फ्लोर पे आपका पेंट हाउस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 आपकी पैसेंजर लिफ्ट है, उसके अलावा आपको एक सर्विस लिफ्ट मिलती है। इसमें एक फ्लोर पर आपको 4 पेंट हाउस के ऑप्शंस मिलते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं तो यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कि एक किसी कस्टमर ने जो पेंट हाउस ख़रीदा है वो इसमें रेनोवेशन कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अपना जो फ्लोरिंग वगैरह है वो चेंज करवाया है। और ये है वो 4175 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे ही हम फॉयर एरिया में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही है आपका ये सर्वेंट रूम। जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे साइज़ का ही आपको सर्वेंट रूम मिलता है और उसके साथ में अटैच्ड आपको लेट बाथ मिलता है। और सर्वेंट रूम की आपकी सेपरेट एंट्री भी है जो आपकी बाहर से है। जैसा कि ये गेट आपको दिख रहा है, ये आपका बाहर से आता है। और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फॉयर एरिया से, तो आप देख सकते हो कि ये है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया आप देखोगे तो बहुत ही शानदार लिविंग एरिया है और इसी से ही आपको एक्सेस मिलता है बालकनी के लिए। बालकनी आप देखो तो ये सेपरेट बालकनी है लिविंग एरिया की, और यहाँ से आपका सेंट्रल ग्रीन जो है सोसाइटी का, वो पूरे का पूरा विजिबल होता है। तो बहुत ही प्रीमियम पेंट हाउस की लोकेशन है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लिविंग एरिया से, तो ये है आपका बीच का एरिया जहाँ से आप स्टेयर केस के थ्रू ऊपर को जाते हैं। और स्टेयर्स के साथ भी आप देखोगे तो आपको काफ़ी एरिया नीचे मिलता है, जहाँ पर आप कुछ भी अपना स्टोर रूम बना लो या कुछ भी वहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हो। और उसके अलावा ये है आपका डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आप अपना डाइनिंग सेटअप कर सकते हो। सबसे बढ़िया क्या बात है कि डाइनिंग एरिया के साथ भी यहाँ पर आपको एक छोटी सी बालकनी दी गई है, जिससे कि आपको अपने डाइनिंग एरिया में भी प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके और कहीं ना कहीं बाहर का व्यू मिल सके। और साथ में ही ये है आपका किचन एरिया, आपको क्लोज्ड किचन मिलता है क्योंकि पहले क्लोज्ड किचन ही बनते थे, तो ये तो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट तो अभी आया है। साइज़ अगर आप देखोगे तो किचन का साइज़ उतना अच्छा है नहीं है, पेंट हाउस के हिसाब से किचन का जो साइज़ है वो कम है। और इसमें आपको क्या है कि नीचे जो है टाइल्स लगा के दी है, तो कहीं ना कहीं जब आप ख़रीदोगे तो आपको इसमें नीचे मार्बल फ्लोरिंग करनी पड़ेगी, तो ये आपको एक्स्ट्रा इसमें कॉस्ट आएगी। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं नीचे, और ये है आपका एक सेपरेट जिसको कॉमन वॉशरूम कहते हैं, वो आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। और कॉमन वॉशरूम के साथ ही ये है आपका गेस्ट रूम। आप गेस्ट रूम देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ का गेस्ट रूम निकाला है। और अगर आप नोट करोगे तो इस तरफ आपको 2-3 विंडोज़ छोटी छोटी निकाली है, जो कहीं ना कहीं आपको वेंटिलेशन देती है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आपको टेरेस बालकनी मिलती है, ये पूरी टेरेस बालकनी है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। और ये है आपकी बालकनी, प्रॉपर डेक बालकनी आपको मिलती है।
काफ़ी अच्छा साइज़ है, यहाँ पर आप अपना सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा कर सकते हो, और 8-10 लोगों की गैदरिंग अगर काफ़ी कभी करनी हो तो इसी बालकनी में बड़े आराम से हो जाती है। स्विंगिंग चेयर आप यहाँ पे लगा सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। और सामने आपको ये कंक्रीट की वॉल मिलती है और जैसा कि आप देख सकते हो, और ये अगेन आपका जो सेंट्रल ग्रीन है आपके अपार्टमेंट से पूरे का पूरा विजिबल होता है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की ओर। सो ये है आपका सेकंड बेडरूम। साइज़ गेस्ट बेडरूम से थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा साइज़ है। आप इसमें देखोगे तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो ये आपकी बालकनी, जो डेक बालकनी है जो आपके गेस्ट एरिया से भी एक्सेस होती है, वो यहाँ से एक्सेस होती है। साथ में ही सामने विंडो है टू हैव वेंटिलेशन, और ये है आपका वार्डरोब स्पेस के लिए एरिया छोड़ा हुआ, और ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम एरिया। जैसा कि आप देख सकते हो साइज़ काफ़ी अच्छा है, वॉशरूम के जो साइजेज़ हैं इस अपार्टमेंट के अंदर, इस पेंट हाउस के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए ये हमारा नीचे का एरिया जो था फर्स्ट लेवल का वो कवर हो गया है। नाउ लेट मी टेक यू टू द अपर लेवल ऑफ दिस पेंट हाउस। सो इन स्टेयर्स के थ्रू विल एक्सेस द अपर लेवल ऑफ दिस पेंट हाउस। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम आ गए हैं इसके सेकेंड लेवल पे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो आपको फैमिली लाउंज और मास्टर बेडरूम मिलता है, और ये सामने एक अलग रूम मिलता है, और इसके साथ साथ ये आपका थर्ड बेडरूम मिलता है। तो एक बार मैं आपको पहले मास्टर बेडरूम की तरफ ले चलता हूं। तो जैसे ही हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पर फैमिली लाउंज का एरिया आ जाता है। ये आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी स्पेशियस है, और इसी फैमिली लाउंज से और मास्टर बेडरूम से आपका जो ये टेरेस है ये पूरे का पूरा टेरेस आपके लिए एक्सेसिबल है। तो ये जो टेरेस है वो प्राइवेटली बिल्कुल रखा गया है मास्टर बेडरूम के लिए। जैसा देख सकते हो आप कितना शानदार, कितना बड़ा ये टेरेस एरिया है। ऑल दो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें से कोई मेंटेनेंस हुई नहीं है, और जब ऑब्वियसली जब आप खरीदोगे तो आपको नीट एंड क्लीन करके मिलेगा। जो पर्पज़ है दिखाने का वो है सिर्फ स्पेशियसनेस का। आप देखोगे तो काफ़ी स्पेशियस ये टेरेस आपको मिलता है, और अगेन सेंट्रल ग्रीन जो सोसाइटी का है पूरे का पूरा आपको यहाँ से विजिबल होता है। तो आगे बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम के लिए। मास्टर बेडरूम में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फैमिली लाउंज से, तो ये आपका एक छोटा सा स्पेस है, आप देख सकते हो ये छोटा सा स्पेस है। इसको आप पूजा रूम बना लीजिए, आप इसको स्टोर रूम बना लीजिए, बार बना लीजिए, स्टडी रूम बना लीजिए अपने लिए एक छोटा सा, जैसे भी आपको बनाना है कर सकते हैं। और ये है आपका मास्टर बेडरूम, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, और हर बेडरूम में आप देखोगे ना तो इन्होंने छोटे छोटे वो जो उधर विंडो दे रखे हैं वेंटिलेशन के लिए, तो उससे जब बहुत ही अच्छी लाइट्स अंदर आ रही है। आप देखोगे तो अभी कोई लाइट इसमें ऑन नहीं है और प्रॉपर बेडरूम के अंदर आपको लाइट मिलती है। और ये है फ्रंट की बालकनी, जो अभी टेरेस बालकनी आपको मैंने दिखाई थी वो यहाँ से प्रॉपरली एक्सेसिबल होती है। और ये है यहाँ पर आप देखोगे तो ये है वॉशरूम का एरिया, आपको वॉशरूम मिलता है। साइज़ अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्पेशियस है, ऑब्वियसली आपको इसमें काम करवाना पड़ेगा, आपको फ्लोरिंग का काम करवाना पड़ेगा, और हो सकता है वॉशरूम का भी काम करवाना पड़े, किचन का काम आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन जिस प्राइस में आपको अभी ये चीज़ मिल रही है ऑब्वियसली वो काफ़ी सही है। और जब हम थोड़ा सा दूसरी साइड के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये है ऊपर के लेवल का सेकेंड बेडरूम, अगेन काफ़ी अच्छे साइज़ का है, विंडो प्रॉपर मिलती है, वेंटिलेशन का बड़ा ही अच्छा ख्याल रखा गया है इस बिल्डिंग के अंदर। सारे बेडरूम्स में आपको कटआउट्स मिलते हैं जहां से आपका प्रॉपर वेंटिलेशन आता है। और ये है आपका वार्डरोब एरिया, आप देखोगे कितना स्पेशियस वार्डरोब एरिया बना रखा है, और वार्डरोब एरिया के साथ ही आपका एक्सेस होता है वॉशरूम एरिया। ये है आपका अटैच वॉशरूम एरिया। अब इस रूम से जब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे रूम के लिए, आप उसको सेकंड मास्टर बेडरूम भी कह दो, ये है आपका सेकंड मास्टर बेडरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज़ का है, स्पेशियस साइज़ है, इस तरह का आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। और ये अगेन यहाँ पे आपको एक प्राइवेट बालकनी मिलती है, कंपेयर टू जो मास्टर बेडरूम था उससे छोटी बालकनी है लेकिन अच्छी बालकनी है। यहाँ से भी आपका सेंट्रल ग्रीन विजिबल है। और जब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका वॉशरूम, आप एक बार वॉशरूम का साइज़ देखिए, कितना शानदार है, कितना स्पेशियस वॉशरूम है।
बाकी जगह पे तो आपको इतने रूम मिलेंगे आज की डेट में जिसमें जो वॉशरूम का साइज़ है। और ये है आपका वार्डरोब एरिया, यहाँ पे आप अपनी वार्डरोब क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन एक छोटा सा कटआउट दिया गया अगेन यहाँ पे, जिससे कि आपको प्रॉपर लाइट्स मिलती है, वेंटिलेशन मिलता है। तो एक चीज़ अगर आप देखोगे तो इस अपार्टमेंट के अंदर जितने भी रूम्स हैं उसमें छोटे छोटे कटआउट्स दिए गए हैं कि वेंटिलेशन की प्रॉपर केयर किया गया है इसके अंदर, कि आपको वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत ना हो इस अपार्टमेंट के अंदर। सो आई होप यू हैव लाइक्ड द क्विक टूर ऑफ दिस पेंट हाउस दैट इज स्प्रेड ओवर 4175 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। ऑर्किड पेटल में 4175 स्क्वायर फीट के अलावा भी 3500 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस के ऑप्शंस निकल के आते हैं। अगर आप छोटा पेंट हाउस देख रहे हो तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर सिंप्लेक्स अपार्टमेंट्स में आप 3BHK के ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो उसमें भी हमारे पास कुछ यूनिट्स अवेलेबल है इस टाउनशिप के अंदर। लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, आपका सोहना रोड बिल्कुल बैक में लगता है। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं और जितनी भी अच्छी आसपास की लोकेशंस है यहाँ से बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस ऑर्किड पेटल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग पेंट हाउस और सिंप्लेक्स अपार्टमेंट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे प्री रेंटेड हो, हम लगातार अपने YouTube चैनल पर डालते रहते हैं। आपसे ऐसी कोई भी अपडेट मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो इट वॉज ऑल अबाउट ऑर्किड पेटल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।